मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जहां सभी जगह नामांकन दाखिल करने वाले राजनीतिक प्रत्याशियों के बीच में जोश और खरोच का माहौल रहा, वहीं कांग्रेस भाजपा के बीच में नामांकन दाखिले के दौरान निकलने वाली नामांकन रैली के साथ शक्ति प्रदर्शन जैसे हालात देखने को मिले। यह तस्वीरें दमोह जिला मुख्यालय के अम्बेडकर चौक की है, जहाँ से की कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों की नामांकन रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान पीछे से भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों की रैली भी आ रही थी। हालांकि इन दोनों रैलियों के अम्बेडकर चौक से अलग अलग मार्ग थे, यहां पर पुलिस के पर्याप्त इंतजाम थे। इसके बावजूद पीछे से आ रही भाजपा की रैली को देखकर कांग्रेस की रैली में शामिल लोग भी रुक गए और इस दौरान ढोल धमाकों की धूम के बीच में जिस तरीके से करीब आधे घंटे तक कांग्रेस भाजपा समर्थकों के बीच में आमने सामने के जोश जुनून के साथ शक्ति प्रदर्शन दमखन का दौर देखने को मिला, वह अपने आप में अनूठा था। हालांकि इस दौरान जिला अस्पताल के सामने अम्बेडकर चौक पर कांग्रेस भाजपा समर्थकों की नामांकन रैली के बीच में इस तरह का शक्ति प्रदर्शन ढोल नगाड़ों की धुन पर उत्साह के साथ देर तक चलता रहा। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विधायक अजय टंडन ने गाड़ी को आगे बढ़ाने का इशारा भी कर दिया, लेकिन इसी दौरान जिस तरह से भाजपा समर्थक यहाँ पर झंडों के साथ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए तथा पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए, उक्त नजारा को देखने के बाद में कांग्रेस विधायक अजय टंडन ने इशारा करके अपने साथ के लोगों को रोक दिया और फिर इसके बाद यहां पर से नृत्य चालू हो गया। देखते ही देखते जोश जुनून में अजय टंडन स्वयं गाड़ी पर खड़े होकर शेर नृत्य करते नजर आए, ताल ठोक कर भाजपा वालों को चुनौती चैलेंज देते हुए नजर आए। भाजपा वालों को ताल ठोक कर दिए जा रहे चैलेंज के दौरान विधायक अजय टंडन स्वयं गाड़ी पर खड़े छले पोते होते हुए बचे। हालांकि वह संभल गए और इसके बाद में उन्होंने अपने वाहन को कांग्रेस की रैली को आगे बढ़ाने का इशारा किया। युवाओं की तरह जोश और खरोश के साथ में उत्साह से भरपूर विधायक अजय टंडन गाड़ी के आगे बैठ गए, लेकिन इसी दौरान सामने से भाजपा समर्थकों ने सीटी बजाकर उनके थक जाने को लेकर जब हूटिंग की और इशारा किया तो विधायक अजय टंडन भाजपा वालों को ठेंगा दिखाने से भी नहीं चूके। इसके बाद कांग्रेस की नामांकन रैली अंबेडकर चौक से कोऑपरेटिव बैंक चौराहे की तरफ आगे बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर घंटाघर से आ रही भाजपा की नामांकन रैली में शामिल भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया के अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशी भी जनता का अभिवादन करते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे। यहां से वह भाजपा कार्यालय की तरफ नामांकन रैली के साथ आगे बढ़ गए। नवंबर को कमल का बटन दबाइए और जयंत मलैया को पुनः विधायक बनाइए।